वेलकम डियर ऑकर्ड्स, आज हम देखेंगे एक एक्शन थ्रिलर जिसका नाम है एक्सीडेंट मैन। तो मूवी की शुरुआत में माइक नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो एक स्पेशल गन से किसी को एम कर रहा है। इस गन का बैरल प्लास्टिक का बना हुआ है और इसके अंदर बुलेट्स की जगह कांच के नुकीले टुकड़े हैं। इसका टारगेट ये आदमी है, लेकिन माइक सामने आती हुई कार के टायर पर एम करता है और कांच के टुकड़े फायर कर देता है। उसके इस कैलकुलेटिव शॉट से कार का कंट्रोल खो जाता है और माइक का टारगेट एक्सीडेंट में मारा जाता है। अब सभी कार ड्राइवर को एक खूनी मानते हैं। फिर अपना काम करके माइक जरा स्माइल करके वहां से चुपचाप निकल जाता है। तो दोस्तों, कहानी का हीरो एक ऐसा शातिर हिटमैन है जो खून को भी एक्सीडेंट की तरह करने में बिल्कुल स्पेशलिस्ट है। माइक बिगरे नाम के एक रिटायर्ड असासिन के लिए काम करता है और ये बिगरे की टीम का बेस्ट असासिन है। बिगरे की टीम के असासिन का अपना अलग अलग स्टाइल होता है। ये दाढ़ी वाला आदमी है एंग्री बर्ड और ये माइक का फेवरेट असासिन है। ये बहुत ही गुस्से वाला है और इसका स्टाइल भी खून खराबे से भरा होता है, पर आजकल कस्टमर्स इसका स्टाइल पसंद नहीं करते। खैर, अगला है पॉइजन पीटर, जो नहाने के नाम से बहुत डरता है लेकिन पॉइजन से खून करने में बिल्कुल एक्सपर्ट। ये अपने टारगेट के टूथपेस्ट में जहर मिला देता है या फिर उसके सिगार पर जहर लगाकर उसको मार डालता है। और ये दोनों है मैक और मिक, जो पहले स्पेशल फोर्स में काम करते थे। ये दोनों इस तरह से खून करते हैं कि वो प्लांड मर्डर नहीं लगता बल्कि चोरों का काम लगता है, और पुलिस वाले इनके केसेस कभी सॉल्व ही नहीं कर पाते। और ये है जेन, जो कटाना नाम की जापानी स्वॉर्ड से लड़ने में काफी एक्सपर्ट है। और ये है फ्रेड, और ये जरा बूढ़ा असासिन है जिसका स्टाइल बहुत ही सुलझा हुआ लगता है। एक बार इसने अपने द्वारा बनाए गए गैस से एक पूरी टीम को असासिनेट कर दिया था। तब मिल्टन नाम का एक आदमी अंदर आता है। ये बिगरे की ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेशल लिंक है, क्योंकि यही कस्टमर से रिक्वेस्ट लेता है और उनकी जरूरतों के अनुसार बिगरे के असासिन को काम देता है। पैसों का लेन देन भी यही आदमी संभालता है, क्योंकि माइक इस ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट असासिन है, इसलिए उसे ज्यादा काम भी मिलता है और वो बढ़िया काम भी करता है। एक बार माइक को एक शराबी को मार डालने का मिशन दिया गया। वो आदमी आधी रात को फुल टाइट हालत में घर आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि माइक घर में छुपा हुआ है। वो आदमी ऊपर रखी हुई घड़ी को उठाने गया और उसका हर मूव माइक ने पहले से कैलकुलेट करके रखा था। जैसे वो चेयर पर चढ़ा, माइक ने उसके गले में फांसी का फंदा फंसा दिया। वो आदमी कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो माइक ने बहुत ही कैजुअली जवाब दिया कि मुझे सिर्फ $25,000 चाहिए, जो तुम्हें खत्म करने के बाद मुझे मिलेंगे। ये कहकर उसने नीचे से कुर्सी हटा दी। और इससे पता चलता है कि माइक को अच्छे बुरे का कुछ ख्याल नहीं है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अपना मिशन पूरा करके उसने एविडेंस के तौर पर एक फोटो खींची और लौट आया। फिर उसे एक रॉक बैंड को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो ऑडियंस बनकर बहुत ही कैजुअली अंदर गया। उसने वहां पर उनका लास्ट शो भी एंजॉय किया। वहां की पावर सप्लाई लाइन खुली थी और उसने ग्लास पानी सप्लाई लाइन पर फेंक दिया। इससे बैंड के सभी मेंबर्स को शॉक लग गया था, क्योंकि वे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज कर रहे थे, और इस तरह पूरा बैंड स्पॉट पर ही आउट हो गया। ऑडियंस भी सिर्फ देखती रह गई कि यह हो क्या रहा है। लेकिन हर बार मिशन के बाद माइक अपने स्ट्रेस कम करने के लिए किसी पब में जाता है। इस बार वो एक पब में जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को पैसे देकर कहता है कि किसी दूसरे बार में जाकर एंजॉय करो। जैसे ही वो पब के अंदर जाता है तो वहां पर कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और गुस्से में माइक उनको खूब पीटता है। गुंडे फिर माइक को अटैक करने जाते हैं, लेकिन उसके फाइटिंग स्किल्स के आगे वे कुछ नहीं कर पाते। पर माइक जैसे खतरनाक हिटमैन का भी एक फ्लैशबैक है। हमें दिखाते हैं कि उसके टीनेज में उसे कुछ लड़के चेस कर रहे थे। वे माइक को बुली करते हैं और उसके लंच के पैसे छीन लेते हैं। माइक न्यूज़पेपर बेचकर जो पैसे कमाता था, ये लड़के रोज उसके सारे पैसे ले लेते थे। एक दिन उसने एक आदमी को किसी घर में घुसते हुए देखा था। उसके पास एक सिलेंडर था, लेकिन वो गैस कंपनी का स्टाफ नहीं था। फिर उसके अंदर जाने के कुछ सेकंड्स में ही घर एक्सप्लोड हो गया, लेकिन वो आदमी ऐसे बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब माइक उसको देखकर बड़ा हैरान हुआ और वो उस आदमी को फॉलो करने लगा। कई हफ्ते उस आदमी को फॉलो करके माइक ने पता लगा लिया कि वो एक असासिन है जो पैसों के लिए खून करता है, लेकिन सेटिंग तो ऐसी करता है जिससे वो एक्सीडेंट लगे। वो आदमी और कोई नहीं, बिगरे है। माइक ने बिगरे के सारे कारनामों की एक वीडियो शूट की थी। उसने बिगरे को वीडियो दिखाकर कहा, मुझे भी ये सब सीखना है, मुझे उन पुलिस के लीडर का खून करना है, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। माइक का कॉन्फिडेंस और चालाकी देखकर तो बिगरे ने उसको एक प्रोफेशनल असासिन बनने की ट्रेनिंग दी। उसने माइक को ये भी सिखाया कि अगर तुम खून को एक्सीडेंट की तरह करोगे तो तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। अब ये सीखकर तो माइक एक दिन पुलिस के लीडर के घर गया। जब वो घर पर नहीं था, उसने टीवी एंटीने पर एक करेंसी नोट को फिक्स कर दिया था और फिर उसके बिस्तर पर चादरों के बीच छुप गया। जब वो लड़का घर आया तो एंटीने पर वो नोट देखकर वो उसको लेने के लिए ग्रिल पर चढ़ा, और तभी अचानक माइक बालकनी में घुस गया और उस लड़के को धक्का दे दिया। वो बेचारा नीचे गिरकर मर गया। फिर अपनी इस हरकत पर माइक को बड़ी अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। नीचे से बिगरे ये सब कुछ शूट कर रहा था और उसने माइक को बताया कि तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है।
फिर बिगरे ने उसे गन फायरिंग, डिफेंस स्किल्स वगैरह वगैरह काफी सारी ट्रेनिंग दी। माइक धीरे धीरे सब कुछ सीख गया, लेकिन उसे असासिनेशन को एक्सीडेंट की तरह करने में बहुत ही इंटरेस्ट था और वो इसको करने में बहुत आनंद उठाता था। इस तरह कई साल ट्रेनिंग के बाद अब माइक इस ऑर्गेनाइजेशन का टॉप क्लास का असासिन बन गया है। अब दिखाते हैं कि एक बार मिल्टन ने माइक को रूट नाम के एक अकाउंटेंट को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और इस टास्क के लिए माइक को दोगुने पैसे भी मिल रहे थे क्योंकि क्लाइंट को बहुत जल्दी थी। अपने इस मिशन के लिए माइक ने अपनी स्पेशल गन यूज की जिसमें बुलेट्स नहीं कांच के टुकड़े थे। माइक रूट को और उसके सामने आती हुई कार को वॉच कर रहा था। वो कार के राइट एंगल पर आने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही कार ठीक टाइम पर वहां पर पहुंची तो उसने टायर पर फायर किया। इससे टायर का एंगल चेंज हो गया और कार मुड़कर रूट से टकरा गई। मिशन पूरा करने की खुशी में माइक हंसकर वहां से निकल पड़ा, पर बेचारा कार ड्राइवर खुद को खूनी मानने लगा और डर के मारे वहां से भाग गया। उस रात मिल्टन माइक को एक एड्रेस देता है और कहता है रूट को मारने के लिए क्लाइंट से अपना पेमेंट ले लो। माइक वहां जरा लेट पहुंचता है और उस पर दूसरा असासिन हमला करने लगता है। वो आदमी मार्शल आर्ट्स के अटैक्स को ट्राई करता है लेकिन माइक से हार जाता है। माइक उसको चिढ़ाता है कि तुम उस ऊंची बिल्डिंग से मुझ पर शूट कर सकते थे या फिर मेरे आते ही इस एरिया को डायनामाइट से उड़ा सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने तो सीधा आकर मुझ पर ही मारना चाहा। अब तुम बेवजह मरने वाले हो, असासिन के नाम पर तुम कलंक हो यार। इस तरह चिढ़ाकर वह उस आदमी की गर्दन ही तोड़ देता है, फिर उसको घसीटकर प्लेटफॉर्म पर छोड़ देता है और उसकी बाइक उसके पास ही छोड़ देता है ताकि ऐसा लगे कि ये आदमी ओवर स्पीडिंग की वजह से अपना कंट्रोल खो बैठा। फिर प्लेटफॉर्म से इसका सर टकराया और गर्दन टूटकर इसकी मौत हो गई। इस तरह एक एक्सीडेंट की सेटिंग करके माइक अपने घर लौटता है। उसे चार्ली नाम की एक औरत का फोन आता है। वो बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बेथ मर गई है। माइक और बेथ का ब्रेकअप हो चुका है। बेथ एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है जिसकी वजह से कई ऐसी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक थी। माइक बेथ के फ्यूनरल में जाता है। वहां चार्ली उसे बताती है कि बेथ के घर में दो चोर घुस आए और जब बेथ ने उनको रोका तो उन्होंने बेथ को मार डाला। पुलिस ने दोनों चोरों के फिंगरप्रिंट्स निकाल लिए हैं लेकिन कुछ ही दिन बाद दोनों चोर ड्रग ओवरडोज के कारण मर गए। चार्ली ये भी बताती है कि बेथ प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में तुम्हारा बच्चा था। ये सुनकर माइक बेथ के अपार्टमेंट में जाता है और क्राइम सीन को इमेजिन करता है। फिर अपने एक्सपीरियंस से वो पता लगा लेता है कि ये एक प्लांट मर्डर है। फिर माइक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की फाइल को देखकर पता लगाता है कि बेथ के खून में स्लीपिंग पिल्स का केमिकल पाया गया था। फाइल में ये भी लिखा है कि उसे एयरप्लेन में जाने से डर लगता है और इसके लिए वो कोई ट्रीटमेंट ले रही थी। लेकिन माइक जानता है कि बेथ को ऐसा कोई डर नहीं था। माइक फिर रियलाइज करता है कि बेथ की मौत एक प्लांट मर्डर है, लेकिन ऐसी सेटिंग की गई है जिससे चोरों का काम लगे। पुलिस को गुमराह करने के लिए दो ड्रग एडिक्ट्स के फिंगरप्रिंट्स को क्राइम सीन पर जानबूझकर छोड़ दिया गया है। अब माइक को यकीन हो जाता है कि ऐसा काम सिर्फ मिक और मैक ही कर सकते हैं। वो गुस्से में उन दोनों से पूछता है तो वे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यह खून उन दोनों ने मिलकर किया है। वे पूछते हैं कि जैसे तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्या हम नहीं कर सकते? और फिर तुम्हारा और बेथ का तो ब्रेकअप हो चुका है, फिर तुम इतने टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन वे नहीं जानते थे कि बेथ प्रेग्नेंट थी। वे माइक से कहते हैं कि एक असासिन को इस तरह इमोशनल नहीं होना चाहिए, तुम टेंशन मत लो और घर जाकर आराम करो। अब उनका एटीट्यूड देखकर माइक बहुत गुस्से में होता है और उन पर अटैक करने लग जाता है। नॉर्मली स्पेशल फोर्सेस वालों से फाइट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अपने बेहतरीन और पावरफुल अटैक से माइक दोनों को खूब पीटता है। वो दोनों भी कुछ कर नहीं पाते, पर आखिर में माइक अपनी एल्बो मूवमेंट्स और किक से दोनों को हरा देता है। फिर वो चार्ली के पास जाकर कहता है कि बेथ का असासिनेशन हुआ है। फिर वो चार्ली से बेथ के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगता है। चार्ली बताती है कि बेथ के पास एक हार्ड ड्राइव है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है। वो हार्ड ड्राइव उसके पेरेंट्स के घर में है। तब एंग्री बर्ड वहां आता है और लगता है उसे चार्ली को मारने का ऑर्डर मिला है। जब एंग्री बर्ड को गुस्सा आता है तो वो अपनी कुल्हाड़ी से हर तरफ काटने लगता है, पर वो अपना गुस्सा दिखाने में इतना मग्न होता है कि मौका पाकर चार्ली उसके कंधे पर चाकू मार देती है। लेकिन एंग्री बर्ड अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसको धक्का दे देता है। फिर वो अपने कंधे से चाकू निकालकर माइक पर अटैक करने जाता है, लेकिन माइक उसको धक्का देकर उसके ऊपर ही गिर जाता है। एंग्री बर्ड जमीन पर पड़ी भी अपनी कुल्हाड़ी पर गिरा होता है। फिर मरने से पहले एंग्री बर्ड बताता है कि उसे मिल्टन ने चार्ली का खून करने के लिए भेजा था। माइक चार्ली से कहता है कि तुम बेथ के पेरेंट्स से वो हार्ड ड्राइव ले लो। फिर वो मिल्टन के पास जाकर पूछता है कि बेथ और चार्ली का खून करने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था। मिल्टन बताता है कि केंट नाम के एक अकाउंटेंट ने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब माइक चार्ली से मिलता है। अब चार्ली ने बेथ के पेरेंट्स से हार्ड ड्राइव ले ली है। वो बताती है कि वैनकैप पेट्रोलियम नाम की एक भ्रष्ट ऑयल कंपनी के बारे में बेथ ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दी थी। दरअसल उस कंपनी को समुद्र में ड्रिलिंग करने की परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर ने सरकार को एक मोटी रिश्वत देकर परमिशन ले ली थी और बेथ को ये सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंट रूट के जरिए मिल गई थी। इसलिए कंपनी डायरेक्टर रूट को खत्म करना चाहता था।
उसने कैंट के जरिए मिल्टन को असासिनेशन कॉन्ट्रैक्ट दिया। मिल्टन के कहने पर ही माइक ने रूट को मार डाला था और कैंट ने उनकी बातें भी रिकॉर्ड कर ली थी। अब वो रिकॉर्डिंग माइक के हवाले कर देता है। तभी अचानक मिक और माइक माइक पर अटैक करते हैं, क्योंकि बिग रे ने उन्हें माइक को खत्म करने के लिए भेजा था, क्योंकि माइक उसके क्लाइंट्स के काम में दखल देने लगा था। अब दोनों माइक पर लगातार गोलियां चलाते हैं। मैक माइक पर हैंड ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन माइक रोनाल्डो की तरह ग्रेनेड को किक करता है और वो वहीं एक्सप्लोड हो जाता है और मिक और मैक बिल्कुल चौंक जाते हैं। मौका पाकर माइक मैक की गन को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मिक गलती से मैक को शूट कर देता है। अब माइक मिक पर फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे करता है और उसको बाहर धकेल देता है। इतने में पॉइजन पीटर माइक को पीछे से अटैक करता है और उसकी नाक पर पॉइजन वाला रुमाल रख देता है, लेकिन माइक तो पॉइजन पीटर को खूब जानता है और वो कुछ देर सांस ही नहीं लेता। वो माइक को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक अपने चाकू से उस पर वॉर करता है और उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है। आखिर माइक फ्रेड से भी भिड़ जाता है और उसे एक ही मार में फ्रेड कर देता है। फिर उसके पॉकेट से पॉइजन वाला बैंडेज लेकर वो चला जाता है। अब वो वैन कैप कंपनी में जाता है और उसकी मुलाकात जेन से होती है, जो कटाना स्पेशलिस्ट है। बिग रे ने जेन को कंपनी डायरेक्टर की सुरक्षा के लिए भेजा है। पहले तो माइक को बहुत मार पड़ती है, क्योंकि जेन माइक जैसी एक काबिल फाइटर है, लेकिन फिर वो थक जाती है और माइक उसको जोर से पंच मारकर बाहर गिरा देता है। अब डायरेक्टर के पास कटाना होता है, जिसे वो जेन को पास करता है। वो पागलों की तरह तलवार चलाती है। माइक एक लैंप से उसको रोकता है, फिर एक सूटकेस से, लेकिन जेन सूटकेस के ही दो टुकड़े कर देती है। फिर जेन एक बार गलत तरीके से तलवार चलाती है और माइक तलवार छीनकर उसके पेट में घुसा देता है। फिर वो डायरेक्टर को अटैक करने जाता है। वो माइक को भी पैसों का लालच देता है, लेकिन माइक उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आता और एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर माइक बिग रे के पास जाता है और गलती से रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है। तब पता चलता है कि कंपनी डायरेक्टर के कहने पर केंट ने मिल्टन को तीन लोगों को असासिनेट करने को कहा था। एक था रूट, दूसरी थी माइक की एक्स गर्लफ्रेंड बेथ और तीसरी चार्ली, और वो चाहता था कि एक ही आदमी तीनों मिशन को पूरा करे। फिर उसने माइक का खून करने को कहा था और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए वो तीन गुना पैसे देने को भी तैयार था। अब मिल्टन ने पक्का प्लान बनाया और माइक से रूट का खून करवा दिया, पर वो जानता था कि माइक तो बेथ का खून करेगा नहीं, इसीलिए उसने माइक को मारने के लिए एक नया असासिन भेजा और बेथ और चार्ली को मारने का काम दूसरे असासिन को दे दिया। न जाने मिल्टन के दिमाग में क्या भरा, जो एक नए असासिन से प्रोफेशनल असासिन का खून करवाना चाहता था। खैर, अब सारा सच जानने के बाद बिग रे मिल्टन को खूब पीटता है। अब माइक मिल्टन से हमदर्दी जिताने के बहाने पॉइजन वाला बैंडेड उसे दे देता है। मिल्टन ये बात नहीं जानता और उसे अपने घाव पर लगा लेता है, और फिर क्या, कुछ ही मिनटों में मर जाता है। अब सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है और बिग रे जानता है कि सारी गलती मिल्टन की थी, लेकिन वो माइक पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसने माइक को इस बिजनेस के बारे में ए टू जेड सिखाया था, पर आज माइक की वजह से उसका असासिनेशन बिजनेस ही चौपट हो गया। फिर वो भी माइक को जाने देता है, पर कहता है कि आइंदा मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।